हाउ टू स्टडी हाउस प्लान, तो काफ़ी लोग जो कमेंट्स कर रहे थे, काफ़ी जो व्यूवर्स हैं कमेंट्स कर रहे थे, सर हमें हाउस प्लान स्टडी के बारे में बताइए। तो इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज मैं बना भी चुका हूँ हाउस प्लान से रिलेटेड, कि कैसे हमें स्टडी करते हैं। आपकी जो ड्राइंग्स होती हैं, आपके जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, आर्किटेक्ट ड्राइंग, आपके सैनिटरी ड्राइंग्स होती है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स होती है, प्लम्बिंग ड्राइंग्स होती है, जो ड्राइंग्स होती हैं उनको कैसे स्टडी करते हैं साइट पे। प्लस उनको स्टडी करने के बाद काफ़ी ये होता है कि जो आपकी साइट होती है प्रिपरेशन क्या होता है, जो आपकी जो ड्राइंग्स होती है उसके बेस पे काम करना होता है। तो इंजीनियर या सुपरवाइजर जो होते हैं सबसे पहले क्या होता है, वर्क स्टार्ट करने से पहले स्टडी को ड्राइंग्स होती है उनको स्टडी करते हैं, ताकि आपको पता चले क्या बीम की डायमेंशन है, क्या रेशियो और आपके जो स्पेसिफिकेशन हैं क्या रहेगी, कौन सा कॉन्क्रीट है, कौन सा स्टील है, क्या ग्रेड है आपकी रहेगी, क्या रेशियो रहेगा। तो टोटल आपकी स्पेसिफिकेशन दे दी जाती है, नोट्स में दे दिया जाता है आपकी डेवलपमेंट लेंथ, उसकी लेंथ क्या रहेगी, पाई इंटू डी आपका जो डाया है, 15 to d है या फिर 14 to d है, तो क्या आपका कॉलम कॉलम बीम में आपका क्या रिइंफोर्समेंट है। तो टोटल ड्राइंग्स आपकी प्रोवाइड कर दी जाती है पहले से ही वर्क स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो जैसे आपकी ड्राइंग्स होती होगी उसी बेस पे आपका जो वर्क है वो स्टार्ट करना होगा, ताकि आपकी जो मिस्टेक्स है वो ना हो पाए। तो इसीलिए ड्राइंग को स्टडी करना आपको आना चाहिए। अगर आपका प्राइवेट काम हो या फिर गवर्नमेंट काम हो या फिर किसी भी तरह का कोई काम हो, जैसे घर बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपको स्टडी करनी आनी चाहिए। तो सब तो काफ़ी अगर आपने ड्राइंग नहीं देखी, आपने वीडियो नहीं देखी, तो प्लीज़ वो वीडियो भी आप देख लीजिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर ड्राइंग नहीं आती है। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि हाउस प्लान को कैसे स्टडी करते हैं। आपने देखा होगा जो हाउस प्लान होता है उसके बाद आपको लेवल दिया जाता है कि आपको जो लेवल्स हैं क्या जाएंगे। तो काफ़ी जो ड्राइंग्स होती हैं उनके अंदर आपको मेंशन कर देगा आपका ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर के बाद आपका फ्लोर फिनिश लेवल, फ्लोर फिनिश लेवल की जो मार्जिन होता है टाइल के लिए, टाइल या फिर मार्बल लगा उसके लिए मार्जिन अलग से दी जाएगा, या फिर इसी में कवर हो जाता है तो इसी बेस में वो ऐड हो जाता है। अगर यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का प्लिंथ बीम है तो इसमें आप टाइल लगाएंगे, मार्बल लगाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपका इसके ऊपर भी जाएगा, तो थिकनेस यहाँ पे बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपके स्टेयर के इसके ऊपर थिकनेस बढ़ जाएगी। मतलब जो थिकनेस यहाँ पे बढ़ेगी वो ऑटोमेटिक थिकनेस यहाँ पे टोटल आप यहाँ पे बढ़ जाएगी। आपका फर्स्ट फ्लोर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइल लगाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी टाइल लगाएंगे, तो फ्लोर ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। तो कहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा आपका, ग्राउंड फ्लोर से, जितना आपका रेशियो यहाँ हाइट यहाँ पड़ेगी तो इतनी हाइट यहाँ पड़ जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इसी बेस पे हम मार्जिन लेके चलते हैं। अगर यहाँ पे देखा होगा 10 feet 11 inches, 10 feet 11 inches दे रखा है, तो मतलब आपका 10 feet 11 inches है, तो यहाँ पे आपका 5 inches या फिर 6 inches जो स्लैब की थिकनेस आ जाएगी, अप्रोक्स आपका 5 inches, मैं यहाँ पे 6 inches मान लेता हूँ, 125 mm, तो 125 का आपका 5 inches, 5 inches आपका ये कवर लेस हो जाता है 5 inches में। उसके बाद हमारे पास ये बचता है, तो हमारे पास 5 inches ये लेस हो जाते हैं, तो हमारे पास बचता है 10 feet 6 inches, तो 10 feet 6 inches बचता है, तो 10 feet 6 inches हमारे पास बचता है, तो ये आपका टॉप बचा हो जाता है, ठीक है। अब हम फ्लोर फिनिश लेवल जाएंगे, टाइल लाएंगे, मार्जिन जाएंगे, तो 2 inches यहाँ पे कवर हो जाएगा, तो 2 inches यहाँ पे भी कवर हो जाएगा, अप्रोक्स मिनिमम 2 inches तो कवर हो जाएगा, तो 2 inches यहाँ पे लेस कर देते हैं, तो हमारे पास कितना बचता है 10 feet 4 inches। तो इट्स मीन आपका जो सीलिंग है, जबकि छत है, जबकि छत है, उस लेवल से आपका जो टाइल का जो टॉप है, फ्लोर फिनिश लेवल जिसको बोला जाता है FF लेवल, ठीक है, तो फ्लोर फिनिश लेवल जिसको बोला जाता है, तो अप्रोच को बोल देते हैं ग्राउंड लेवल, ठीक है। ग्राउंड लेवल अगर आपकी जो बिल्डिंग तैयार बन के हो जाती है तो उसको ग्राउंड लेवल देते हैं। अगर आपका ग्राउंड लेवल प्लिंथ लेवल, तो आपका प्लिंथ लेवल फ्लोर फिनिश लेवल यही बोला जाता है, ठीक है। तो प्लिंथ लेवल पे हमें बीम प्रोवाइड करते हैं, प्लिंथ लेवल पे ही हम उसको टाइल को या फिर मार्जिन को लगाते हैं। प्लिंथ लेवल पे आ जाता है, प्लिंथ लेवल क्या होता है, जिसको आपका कमरा तैयार हो जाए प्लिंथ लेवल, ठीक है। तो आपको फ्लोर फिनिश लेवल होता है मार्जिन देके, तो ये आपका 10 feet 4 inches बचता है। तो जो 10 feet 4 inches बचा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी 10 feet 4 inches ही बचेगा, अगर यहाँ पे दोनों की जो हाइट है वो अगर सेम है तो, ठीक है। स्लैब की थिकनेस कम हो जाएगी आपकी, जो या 10 फुट 4 इंची बचेगा ऑटोमेटिक। तो अब हम जान लेते हैं इसको स्टडी और आगे कैसे करना है। अगर आपके जो प्लान है, तो आपके कहीं आपका जो प्लान है, आपका जो फाउंडेशन है, वो आपको हर तरीके से स्टडी करना है। तो काफ़ी ड्राइंग्स है यहाँ पे, तो उसने दे दिया है, तो काफ़ी ड्राइंग्स में आपको मेंशन कर देता है रेनफोर्समेंट डिटेल फुटिंग में, तो वहाँ पे भी आपको मेंशन कर देगा। तो ग्राउंड लेवल से जो नीचे का जो फुटिंग है, तो वहाँ पे आपको ये मेंशन करेगा। तो यहाँ पे जो मेंशन कर रहा है, ये कर रहा है 2100, मतलब आपका जो ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल कौन सा है, ये आपका फ्लोर फिनिश लेवल, ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल, फ्लोर फिनिश लेवल या फिर ग्राउंड लेवल एक ही है। जब भी आप यहाँ पे करेंगे, ये वाला जो लेवल है आपने लिया,
प्लिंथ बीम, तो प्लिंथ बीम आपने कास्टिंग कर दिया। प्लिंथ बीम कास्टिंग करने के बाद, तो प्लिंथ बीम जैसे आपने कास्टिंग करा उसके बाद जो ये वाला जो लेवल है इससे जब नीचे जाएंगे फुटिंग में तो वो कितना जाएगा, यहाँ पे भी आपकी प्लिंथ बीम आ जाएगी। तो प्लिंथ बीम यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लिंथ बीम, ठीक है। तो प्लिंथ बीम यहाँ पे आ जाएगी, तो हमारे पास कितना बचता है, जैसे कि प्लिंथ बीम आपने दे रखा है यहाँ पे, प्लिंथ बीम आपको दे दिया जाता है जैसे कि 400 600 अप्रोक्स, यहाँ पे 400 ले लेता हूँ मैं, 400 मैम, 2100 में से 400 बचते हैं, तो हमारे पास बच जाता है 1700, ठीक है। तो ये हमारे पास 1700 बचता है, तो 1700 में से अब हमारे पास यहाँ पे एक मार्जिन दे दिया जाता है 4 इंची का PCC। तो इसकी जो थिकनेस है PCC की 75 mm, 75 mm PCC थिकनेस है और 2100 है, तो इट्स मीन आपका 2175 आपको टोटल डेप्थ हो जाएगा, ठीक है। टोटल डेप्थ कितना हुआ, 2175 ग्राउंड लेवल से। जब हम ग्राउंड लेवल से जाएंगे, अब आपका रोड, अब कहेंगे कि रोड लेवल आपका ग्राउंड लेवल NGL, ये अप्रोक्स मान लीजिए NGL, तो यहाँ पे ये वाला जो लेवल है ये आपको डिसाइड करना है कितना आपको रखना है। ये आपको लेवल है डिसाइड करना आपको कितना रखना, या फिर कि आपको 1.5 फीट रखना है या फिर आपको 2 फीट रखना है। तो अगर आपका जो पार्किंग एरिया होता है, जो आपका फ्रंट होता है, जब स्टेयर केस वाला होता है जिसमें आप पार्किंग करते हो, तो वो कम से कम 1 फीट तो रखिए रखिए, 6 इंची हम स्टैंडर्ड जो होता है 6 इंची से आपको कम नहीं रख सकते हैं, 6 इंची से कम 1 फीट, ठीक है, या फिर 1.5 फीट ज़्यादा हो जाएगा तो 1 फीट वहाँ पर रख सकते हो। जैसे आपका जो बैक वाला एरिया जाता है, एक फीट से आपका 1.5 फीट भी रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादा 1.5 फीट या फिर 2 फीट कोई नहीं रखता है, अप्रोक्स आपका 1.5 फीट से 1 फीट रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1.5 फीट ले लेता हूँ, जैसे आपका ये वाला जो लेवल आता है, तो ये इस तरह से ये आपका रोड, ये आपका क्या होता है, नेचुरल ग्राउंड लेवल या फिर रोड लेवल, ठीक है। तो इससे आपने क्या किया कि ये जो लेवल है, ये वाला जो जिसमें आप पार्किंग करते हो, गाड़ी वाड़ी खड़ी करते हो, तो यहाँ पे आसानी से रैंप बना सकते हो। तो ये आप ले लीजिए कम से कम 1 फीट या फिर 1.5 फीट, डिपेंड करता है कि जो रोड की, जो आपका जो रोड है, गली है, वो कितनी चौड़ी है, जितनी चौड़ी होगी उसके हिसाब से हम हाइट कर सकते हैं यहाँ पे 1.5 फीट। अगर रोड जो हमारा है वो गली ही कम है, तो यहाँ पे आप 1 फीट कर दीजिए, ताकि जो आपकी जो गाड़ी है, बाइक है, तो वो आसानी से पार्किंग यहाँ पे हो जाए। उसके बाद आपका प्लिंथ लेवल, तो प्लिंथ लेवल कोशिश कीजिए कि हाइट ज़्यादा रखीजिए, कम से कम 2 फीट, यहाँ पे आप स्टेप बना सकते हो, ठीक है। स्टेप बनाने से आपको ये फ़ायदा रहेगा, इन फ्यूचर रोड बना या फिर आपकी गली बनी है, तो वो आप यहाँ से आसानी से उठा सकते हो, ठीक है। तो ये वाला सेम रहेगा, जस्ट ओनली आप ओनली पार्किंग एरिया को ही आप उसको उठा सकते हो, उसमें कोई आपको फ्यूचर में मिस्टेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉस्ट आपका नहीं पड़ेगा। तो ये आपका प्लिंथ लेवल हो जाता है। तो प्लिंथ लेवल, तो यहाँ पे आपने बीम प्रोवाइड करी, ठीक है, तो ये आपकी बीम हो गई। तो इस लेवल से ग्राउंड लेवल कितना हुआ, ये वाला जो टॉप है ये 2 फीट हो गया। तो अब इससे जो एक्सकवेशन करना है, जब लेवल करना है, तो 2 फीट या फिर मैं इस चीज़ को ले लेता हूँ 600। तो अब हमारे पास क्या था, 2175, 2175 में से हम 600 लेस कर देंगे, तो हमारे पास बचता है 75 और 11 में से 6 गए, तो हमारे पास बचता है 5, तो ये हमारे पास 1575। तो इट्स मीन आपका जो प्लेंथ, इसका जो लेवल है ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल से अब आपको जाना है 1575। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि 1575 क्या है, इंच में फीट में बताइए, तो यहाँ पे 1575 को भी आप भाग कर सकते हो, इंच में भाग कर लिए, इंच में बदलने के लिए 1 इंच में होते हैं 25.4 mm, तो 25.4 को मैं भाग कर लेता हूँ, ये हो जाते हैं इंच। अब इंच को मैं भाग कर लेता हूँ फीट में, 1 फीट में होते हैं 12 इंची, तो ये हमारे पास हो जाता है 5 फीट 16, मतलब 5 फीट 2 इंची, तो ये हमारे पास 5 फीट 2 इंची बच जाता है। 5 फीट 2 इंची में से 3 इंची हम PCC लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास 4 फीट 9 और 2 11, लगभग ये 11 इंची। तो ये हमारे पास कितना बचा, 4 फीट 11 इंची, मतलब आपका जो लेवल है NGL, नेचुरल ग्राउंड लेवल, नेचुरल ग्राउंड लेवल से हमारे पास क्या आ गया, ये 4 फीट 11 इंची आ गया, ये हमारे पास 3 इंची आ गया। तो 3 और 11 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 5 फीट 2 इंची, 5 फीट 2 इंची बच गया। अब हमारे पास 5 फीट 2 इंची बचा, और ये जो लेवल हमारे पास बचता है, ठीक है, तो इस तरह से आप ये हाइट निकाल सकते हो। तो जैसे ही आप प्लिंथ लेवल पे आते हो, प्लिंथ लेवल पर आने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया, ये आपका लेवल क्लियर होगा, PCC की थिकनेस लेनी है, आपका ग्राउंड लेवल से कितना नीचे जाना है, ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर जाना है, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देगा। अगर वो मेंशन नहीं करता, तो आपको NGL, नेचुरल ग्राउंड लेवल से, नेचुरल ग्राउंड लेवल से, तो वो आपको ड्राइंग के अंदर मेंशन करेगा ही करेगा,
कि नेचुरल ग्राउंड से आपको फुटिंग का जो गहराई कम से कम इतनी जानी चाहिए, और ग्राउंड लेवल से जो आपकी जो ये लेवल है ये आपको डिसाइड करना है कितने आपको हाइट पे रखना है, ठीक है। तो ये लेवल आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है। जबकि गवर्नमेंट काम है तो वहाँ पर आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि आपको ड्रेन लेवल से ये हाइट लेनी है, रो लेवल से ये हाइट लेनी है, तो ये आपको हाइट वहाँ पर डिसाइड कर दिया जाएगा और ये हाइट भी आपको ड्राइंग के अंदर मेंशन कर दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको ड्राइंग के अंदर देता है ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल फ्लोर लेवल, ग्राउंड फ्लोर लेवल, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर लेवल आपका देता है 0 0, तो वहाँ पे आपको 0 0 दे देता है। अगर नीचे जाते तो माइनस में चले जाते हैं, ऊपर जाते कि यहाँ पे दे रहा था 0 0 और फुटिंग का लेवल कितना था यहाँ पे दे रहा था वो 2100 और प्लस 75, तो 2175। तो यहाँ पे जो मिट्टी का जो टॉप आ गया, मिट्टी का जो टॉप आ गया माइनस 2175, 2175 mm यहाँ पे फीट में दे रहा है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ 2175 को आप फीट में कन्वर्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास 2175, भाग कर लीजिए इसको इंच में 25.4 mm और भाग कर लीजिए इसको फीट में, भाग 5 12, तो ये हो जाता है 7 फीट 13, मतलब 7 फीट 2 इंची, 7 फीट 2 इंची, 1.5 इंची अप्रोक्स हमारे पास हो जाता है। तो ये हमारे पास ग्राउंड लेवल से 7 फीट लगभग 1 इंची, लगभग आप 7 फीट ही ले सकते हो, ठीक है। तो PCC हो जाएगा ग्राउंड लेवल से, आपका जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है उससे हाइट हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका फ्लोर या आपका टॉप आता है टेरेस का, तो टेरेस के टॉप से हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो कि यहाँ पे दे रखा है 10 फीट 11 इंची। इट्स मीन आपका जो फ्लोर, आपका जो प्लिंथ बीम है उससे आपका जो हाइट है वो 10 फीट 11 इंची की है। अब हम जाते हैं अगले लेवल पे। अब अगर आपका सेकंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, या फिर आपकी जो छत आती है वो देखना है कि छत का जो टॉप है यहाँ पे आपने देख लेना है ये आपको बीम प्रोवाइड कर रहा है, तो ठीक है ये बीम है, तो मतलब आपका ये बीम आ जाएगा नीचे। जैसे कि हमारे 400 mm का बीम है, अगर छत है तो छत हमारे यहाँ दे देते हैं 125 mm, ठीक है। तो आपका जो टॉप आ जाएगा स्लैब का टॉप आ जाएगा, तो ये हाइट क्या रहेगी, तो 21 फुट 10 इंची है, तो 21 फीट 10 इंची आपको मैं घटाना यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारे पास है 21 फीट 10 इंची और 21 फीट 10 इंच और यहाँ पे है 10 फीट 11 इंची, तो 10 फीट 11 इंची। अब इसको हम माइनस कैसे करें, तो माइनस करने के लिए इसका तरीका है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 20 फीट और 10 इंची है 10, ये हमारे पास 11 इंची, इसको हम कैसे घटाएं, तो इस वजह से हमारे पास 1 फीट में होते हैं 12 इंची, तो 12 इंची हो गया और 10 इंची हो गया, तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, 12 और 10 कितने हो जाते हैं 22 इंची, तो यहाँ पे हम 22 इंची लिख लेते हैं। तो ये जो ले ये वाला जो है इसको हमने ट्रांसफ़र कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अगर ये बराबर आएगा इसके 20 फीट 22 इंची हो जाएगा इसके बराबर, क्योंकि हम इसमें 12 इंची माइनस कर देंगे तो 21 फीट ऑटोमेटिक हो जाएगा, तुम्हारे पास 11 इंची बचेगा, 10 इंची बचेगा। अब हम इसमें से आसानी से घटा सकते हैं 10 फीट 11 इंची, तो कितना बचता है, तो 11 22 में से 11 गए 11 इंची और 20 में से 10 गए 10 इंची 10 फीट, तो इट्स मीन तो ये भी हमारे पास बच जाता है 10 फीट 11 इंची, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी जो छत का टॉप है वो आ गया है हमारे पास, प्लिंथ बीम से हमारे पास 10 फीट 11 इंची रखना है और आपका ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर से ये भी हमारे 10 फीट कितना था 10 फीट 11 इंची रखना है। अब हमारे पास जाते हैं, अगर आपके प्लान के अंदर आपको जैसे हाउस प्लान दिया जाता है तो वहाँ पे जैसे सपोर्ट कीजिए साइड में ये ममटी है, ठीक है। तो ये स्टेयर केस है, तो स्टेयर केस की जैसे ममटी बढ़ेगी, ये आपके जो पैरापेट है ये तो आपके पैरापेट आ जाएगी, ठीक है, या तो आपके पैरापेट आ जाएगा पर लेकिन ममटी ही ऊपर हाइट जाएगी। तो ये लेवल आपका कितना आया था प्लस 21 फीट 11 इंच, कितना था 21 फीट 10 इंची, 21 फीट 10 इंच, ठीक है। तो इट्स मीन आपका जो एक ग्राउंड लेवल से प्लेन बीम से 21 फीट 10 इंची पाया था और इसकी जो छत है ममटी, जस्ट ओनली ममटी ममटी की जो छत है वो कितनी हाइट पे आएगी, तो वो हमारे पास यहाँ पे मेंशन कर रहा है 30 फीट 10 इंची। इट्स मीन अगर हम यहाँ से लेवल निकाले, इस लेवल से इसका जो टॉप है वो कितना आएगा, छत के टॉप से टेरेस के टॉप से ममटी का जो टॉप है वो कितना आएगा, तो वो हमारे पास है यहाँ पे 30 फीट 3 इंची, माइनस कर लेते हैं 21 फीट 10 इंच, 21 फीट 10 इंची। तो काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं बार बार बताता हूँ आपको, यहाँ पे लिख लीजिए आप 29 फीट, और ठीक है तो 30 फीट में से 1 फीट कम कर देंगे तो 29 फीट हो जाएगा, और 3 इंची में एक ही फिट में होते हैं 12 इंची, और 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 इंची, तो यहाँ पे हम 15 इंची लिख देते हैं। अब आसानी से ये हम घटा सकते हैं, अगर यहाँ पे देता वो 30 फीट 11 इंची ले, अगर यहाँ पे दे देता उसके बाद हम आसानी से घटा सकते थे,
ठीक है। तो यहाँ पे कि सिंपल बस जाता है, 30 में से 21 गया, ये हमारे पास जाता है 9 फिट और 11 इंची में से 10 फीट मतलब 1 इंची, तो यहाँ हम इससे आसानी से घटा सकते थे। बट लेकिन ये बड़ा है ये इंची और ये छोटा है, तो यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद 21 फीट 10 इंची है, तो यहाँ हम इसको घटा सकते हैं। तो हमारे पास कितना बचता है, 15 में से 10 गए 5, 5 इंची, और 29 में से 21 इंच हम घटा देते हैं, तो कितना बचता है, 9 में से गया 8, तो ये 8 फीट मतलब 8 फीट 5 इंची, तो 8 फीट 5 इंच हमारे पास ये बच जाता है। जो छत का टॉप है 8 फीट 5 इंची, तो इट्स मीन आपकी जो बीम है, सपोज़ कीजिए हमारे पास 1 फीट की बीम है, तो 1 फीट की बीम आ गई, तो हमारे पास ये वाला जो बचा लेवल 8 फीट 7 फीट 5 इंची बचा। तो अब यहाँ पे आप छत में जो टॉप लेंगे, छत में काफ़ी क्या होता है कि मड फस का होता है, 3 इंची का 3 इंची टायर लगाते हैं, मिट्टी भरते हैं, तो वह अप्रोक्स आपकी जो मिट्टी है आती है 2 इंची मिट्टी आ जाती है, और टाइल का मार्जिन 1 इंची हो जाता है, तो यहाँ पे 3 इंची हमारे कवर हो जाता है। 1 इंची आपका एक 2 इंची की टाइल हो जाती है, 2 इंची की आपकी मिट्टी हो जाती है, 1 इंची की आपकी टाइल हो जाती है, 3 इंची एक चले जाता है, या फिर आप इसमें मड फस का जिसको आधा रोड़ा जिसको बोलते हैं वो लगवाते हैं, तो वहाँ पर आपका 3 इंची की ईंट हो जाती है और मोर्टार आपका लगभग 1 इंची हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका लगभग 4 इंची या फिर अप्रोक्स आपका ये 5 इंची कम हो जाता है। तो हमारे पास कितना बचता है, ये बीम से इंच नीचे की हाइट बचती है 7 फीट बचती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बीम है, कम से कम 4 इंची का स्लैब ले लीजिए, तो 4 इंची स्लैब लेने पे 7 फीट, तो लगभग ये आपका 12 में से 7 और 5 12, तो लगभग 7 फीट 7 इंची बच जाता है। तो हमारा जो डोर होता है, ये वाला जो डोर कम से कम 7 फीट होना ही होना चाहिए, ठीक है, जो डोर है वो 7 फीट कम से कम होना चाहिए। तो इस बेस पे जो ये वाली हाइट बच रही है बीम से जो नीचे नीचे की 7 फीट बच रही है, तो हमारा जो डोर है आसानी से बीम में लग जाएगा। तो ये कुछ बेसिक्स थे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।